लॉकडाउन। राष्ट्रपति कार्यालय, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े गतिरोध। काठमांडू में संवैधानिक संकट पैदा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाल के संविधान की घोषणा की सातवीं वर्षगांठ एक अप्रत्याशित, हालांकि संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी तरह से आश्चर्यजनक गतिरोध से प्रभावित नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा ने वर्तमान संसद द्वारा उनके खिलाफ एक याचिका दायर किए जाने के बाद अघोषित नजरबंद हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार एक नए नागरिकता विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करने को लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध में है, जो अनुमानित 500,000 लोगों को जन्म और वंश से नागरिकता देने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति ने इसे सवालों के साथ वापस भेज दिया था, जिनमें से कुछ को वैध माना जाता है, जिसमें इसके लिंग प्रतिगामी हिस्से भी शामिल हैं। विपक्ष इस विधेयक को चुनाव से पहले तराई क्षेत्र के लिए सरकारी सहायता के रूप में देख रहा है। चुनाव 20 नवंबर को निर्धारित हैं, लेकिन केवल अगर भंडारी, जो विपक्षी यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी से संबंधित है, कोई कार्रवाई नहीं करता है जिससे चुनाव स्थगित हो सकते हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियों को हथियाना। राष्ट्रपति ने इस तरह की चिंताओं को तब और बढ़ा दिया जब इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने सरकार के कुछ वर्गों में कुछ आपत्तियों के बावजूद चीनी वैश्विक सुरक्षा पहल की एक बैठक में भाग लिया। सम्मेलन का विषय वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल पर कार्य करना था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल को चीनी निमंत्रण, चीनी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के प्रमुख ली झांशु की मध्य सितंबर की यात्रा के बाद आया। मार्च के बाद से एक चीनी गणमान्य व्यक्ति द्वारा तीसरा, जब विदेश मंत्री वांग यी ने दौरा किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के प्रमुख लियू जिनचाओ ने जुलाई में दौरा किया था। संवैधानिक संकट 2008 में राजशाही के उन्मूलन के बाद आए व्यापक परिवर्तनों का प्रबंधन करने में नेपाल के राजनीतिक वर्ग की विफलता को रेखांकित करता है। अस्थिरता का मतलब था कि संविधान बनने में 9 साल और लगेंगे। मधेसियों के विरोध के बीच इसकी घोषणा की गई थी, जिनकी पहाड़ी प्रांतों के साथ तराई क्षेत्र के समान व्यवहार की मांग पूरी नहीं हुई थी। विरोध के कारण भारत की ओर से नेपाल की नाकेबंदी कर दी गई। यदि चुनाव निर्धारित समय के अनुसार होते हैं, तो सभी संकेत हैं कि अभियान को नागरिकता विधेयक पर और भारत समर्थक और भारत विरोधी लाइनों के साथ विस्तारित किया जाएगा। पिछले चुनाव के बाद के 5 वर्षों में काठमांडू विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों द्वारा बनाई गई सरकारों का एक घूमने वाला दरवाजा था, जो शायद ही समय या शासन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए झुकाव के साथ था। यह शायद ही अगले 5 वर्षों के लिए एक अनुकूल शुरुआत है। मुद्रा दबाव। आरबीआई को कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी और रुपये को और कमजोर होने से रोकें। प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ रुपया फिर से नए सिरे से दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के नवीनतम जंबो 75 आधार अंकों की ब्याज दर में वृद्धि और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के स्पष्ट संदेश के मद्देनजर डॉलर में मजबूती जारी है कि यह पूरी तरह से केंद्रित है महंगाई पर काबू पाने पर। शुक्रवार के इंट्राडे ट्रेड में पहली बार डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 81 अंक के पार कमजोर हुई। सप्ताह के अंत में एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। अस्थिरता को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट को नर्म किया गया था। 16 सितंबर से 12 महीनों में इस तरह के हस्तक्षेपों के संचयी प्रभाव ने आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग 94 अरब डॉलर से घटाकर 545.65 अरब डॉलर कर दिया है। तथ्य यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट अकेले नहीं है,
भारतीय कंपनियों के लिए अपने कारोबार के सुचारू कामकाज के लिए कच्चे माल या सेवाओं के आयात पर निर्भर रहने वाली कंपनियों के लिए थोड़ा आराम हो सकता है। वे ऐसे समय में बढ़ती लागत से जूझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब घरेलू मांग अभी भी एक टिकाऊ महामारी के बाद की स्थिति हासिल करने के लिए है। उच्च आयात बिल भी एक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को जोड़ने के लिए बाध्य है, जो पहले से ही लगातार बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से घिरी हुई है, और मूल्य लाभ पर लगाम लगाने के लिए मौद्रिक नीति निर्माताओं के प्रयासों को और अधिक जटिल बनाता है। 2022 में अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये का 8% से अधिक मूल्य ह्रास, 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर लगभग सभी कमजोरियों के साथ इस तथ्य से होने वाले लाभ को भी काफी हद तक ऑफसेट कर दिया गया है कि कीमत कच्चे तेल की भारतीय बास्केट अब काफी हद तक पीछे हट गई है और अपने युद्ध पूर्व स्तरों के करीब है। अगस्त में सेट के रूप में और इस महीने के अधिकांश समय के लिए स्थानीय खरीद को फिर से शुरू करने के बाद पिछले दो सत्रों में वेस्टर्स में विदेशी पोर्टफोलियो ने भी एक बार फिर भारतीय शेयरों और ऋण के शुद्ध विक्रेता बन गए हैं। परिणाम स्वरूप अब तक 2022 में FPIs ने लगातार 3 वर्षों के शुद्ध निवेश के बाद कुल मिलाकर $20.6 बिलियन की भारतीय इक्विटी और ऋण को डंप किया है, और फेड के कम से कम 1 और 125 आधार अंकों की मौद्रिक तंगी के अनुमान से इस वर्ष की अंतिम तिमाही में अधिक बहिर्वाह की संभावना है। रुपये की वास्तविक प्रभावी पूर्व परिवर्तन दर RER या इसके मूल्य के व्यापार भारित औसत के साथ यह भी संकेत देता है कि भारतीय मुद्रा अभी भी अधिक है। RBI के दर निर्धारण पैनल के पास अगले सप्ताह चलने के लिए एक अच्छा कसना होगा, क्योंकि यह संघर्ष करता है विकास को रोके बिना मूल्य स्थिरता की एक झलक बहाल करना और यह सुनिश्चित करना कि रुपया बहुत तेजी से कमजोर न हो।